Hello, my dear students. Today we are starting the 10th class biology. So, subject discuss kar rahe hain biology. What is the meaning of biology? What is the meaning of biology? Bio means living being and logos means the science. Bio means the living being and logos means the science. It is the science of living beings. And living beings includes all. It is the animals, plants, microorganisms, bacteria, virus, fungus, unicellular organisms, जैसे kingdom Monera के members हैं, protista के members हैं, तो ये सब living beings है. The study of living beings is known as biology. अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने चाहिए रिगार्डिंग कि एनिमल्स है और प्लांट्स है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है. ये हमने क्लास 9th के अंदर डिस्कस किया था. बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, वी आर द एनिमल्स, द ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द एनिमल्स, और सेल्स आर हैविंग सेल मेम्ब्रेन, ये एनिमल सेल का एक बेसिक कैरेक्टर है. हाउ द एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट सेल. इन प्लांट सेल्स सेल मेम्ब्रेन के अलावा देयर इज द एक्स्ट्रा कवरिंग ऑफ प्लांट दैट इज द सेल वॉल, एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो ये एक डिफरेंस है कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल. तो बैक्टीरिया एक एनिमल है या प्लांट है? बैक्टीरिया प्लांट भी है और एनिमल भी है. इट्स सेल मशीनरी इज लाइक द एनिमल सेल, तो ये एक एनिमल है, एंड द बैक्टीरियल सेल्स आर हैविंग सेल वॉल, तो ये एक प्लांट है. सो बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड एज प्लांट एज वेल एज एनिमल. वायरस क्या है? वायरस एक ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है. When a virus is outside our cells, it is non-living. When it enters in our cells, it starts using the machinery of our cells and it becomes living. कहते हैं कि कोरोना वायरस है, कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर किसी मेटल सरफेस को टच कर देता है या कहीं पे खांस देता है तो 3 से 6 घंटे तक उसका इफेक्ट रहता है. जब तक उस वायरस के पास में मॉइस्चर है तब तक वो जिंदा रहेगा, जैसे उसकी मॉइस्चर खत्म होगी वो वायरस डेड हो जाएगा. और वायरस एक नॉन लिविंग है और इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है. इस दुनिया में जो भी नॉन लिविंग थिंग है सब खतरनाक है. लिविंग थिंग्स का जो नेचर ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है, उससे खतरा नहीं है. हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है तो हमने नॉन लिविंग थिंग्स को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है, इसीलिए आज हमारा लाइफ है वो अनसेफ हो गया और इनसिक्योर हो गया है. अगर इस इंसान का नाता लिविंग थिंग से ज्यादा होता
तो ये पेंडेमिक्स नहीं आते, इंसान अनसेफ नहीं होता। इसका मैं आपको साइंटिफिक लॉजिक देता हूं कि नाइन्थ क्लास की बायो के अंदर हमने डिस्कस किया, इट इज इजी टू कंट्रोल अ बैक्टीरियल सेल्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ वायरल डिजीजेस, बिकॉज बैक्टीरिया आर हैविंग द कॉमन बायोकेमिकल पाथवे, दैट इज दे बिल्ड देयर सेल वॉल। When a person is infected with the bacterial disease, doctor gives the drugs that includes antibiotics. Antibiotics goes and blocks the common biochemical pathway of the bacteria that is building the cell wall. वहीं पर bacteria अपनी machinery को कर नहीं पाता है, bacteria की death हो जाती है, and a person is made free from a bacterial disease. It is difficult to control, it is difficult to cure a viral disease because viruses are not having the common biochemical pathway that is to build their cell wall. So virus enters in our body and it start infecting our body organs. It becomes difficult for a doctor to locate the site of the virus, where the virus is. And viruses are not having the common biochemical pathway that is to build the cell wall. So it becomes a problem for a doctor to cure a viral disease. इस question को ऐसा भी बोला जा सकता है, it is easy to prepare the antibacterial drugs, it is difficult to prepare the antiviral drugs. यहां पर ये आपको एक scientific logic बनता है कि वायरस एक नॉन लिविंग है, वो ज्यादा खतरनाक क्यों है, बैक्टीरिया एक लिविंग है, वो कम खतरनाक है। तो जो भी नॉन लिविंग है वो इस ह्यूमन रेस के लिए, इस मानवता के लिए ज्यादा खतरा है। कोरोना वायरस नॉन लिविंग है, पूरे संसार को इसने हिला रखा है। कोरोना वायरस को बनाने वाले कौन है? हम इंसान है। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन वायरसेस को बनाया है। जिसको हमने बनाया है उसी ने हमारे लिए खतरा पैदा किया है। तो हम ये सब कुछ इस बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लास टेंथ की बायोलॉजी है, बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजी है। क्लास टेंथ की बायोलॉजी के अंदर हम पूरे ह्यूमन बॉडी को स्टडी करेंगे, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडीज के बारे में हमें ऑलमोस्ट नॉलेज हो जाएगी। टेंथ क्लास के बायो के अंदर जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ए बिग गिफ्ट ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ग्रिगर जोहान मेंडल। हम इवोल्यूशन की थ्योरीज डिस्कस करेंगे, इस दुनिया के बड़े साइंटिस्ट आए लेमार्क एंड डार्विन, हम उनकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। इस टेंथ क्लास के बायो के अंदर कुछ टॉपिक्स हम जनरल अवेयरनेस के डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी एंड इट इज व्हाट द लाइफ प्रोसेसेस। द क्वेश्चन इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, द बेसिक फंक्शंस और द बेसिक एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। हमें जीने के लिए कौन कौन से बेसिक फंक्शन जरूरी है, वो लाइफ प्रोसेसेस है। द बेसिक फंक्शंस विच सस्टेन्स द लाइफ, द बेसिक फंक्शंस विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। इट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। दिस फोर आर द लाइफ प्रोसेसेस। We are the multicellular organisms, that is our body is made up of many cells and we are able to perform many functions at a time because the each life process is performed by the organ system or the body system. To perform nutrition we have digestive system and the digestive system includes the buccal cavity, the food pipe, the stomach,
द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अगर किसी बंदे का पेट निकाल दिया जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या बंदा जिंदा रहेगा? बंदा जिंदा नहीं रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स लिवर, पैंक्रियास, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या किसी का लिवर खत्म हो जाए तो क्या बंदा जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, इट इज परफॉर्म बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स है वो लंग्स है। लंग्स अगर काम करना बंद कर दे तो क्या बंदा जिंदा रहेगा? बंदा जिंदा नहीं रहेगा। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द लाइफ प्रोसेस। आज का वक्त है वो एक पैंडेमिक का वक्त है, कोरोना का वक्त चल रहा है, और कोरोना है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालता है वो लंग्स पे डालता है। लंग्स पे इफेक्ट डालता है तो लंग्स की एक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है। लंग्स की एक्टिविटी डाउन होती है तो बंदे के निमोनिया होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो या तो बंदा क्योर हो जाए या बंदे की डेथ हो जाती है। तो यहां पर इस टॉपिक के साथ में एक सोशल मैसेज भी देना चाहूंगा कि लंग्स की अच्छी स्ट्रेंथ के लिए द पीपल शुड टेक द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। जो बंदे विटामिन सी खूब ले रहे हैं उनकी लंग्स की ताकत अच्छी रहेगी, लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, उन लोगों को कोरोना ज्यादा इफेक्ट इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। सर आपने ये तो बता दिया कि लंग्स की ताकत के लिए, लंग्स की अच्छी स्ट्रेंथ के लिए विटामिन सी है वो बहुत जरूरी है। विटामिन सी मिलता किससे है? खट्टे फ्रूट से। डेली 2 टाइम नींबू पानी पियो, गर्मी आ रही है भाई। आप इमली खाएं, आप आंवला खाएं। चलो ये चीज़ें मान लो सीजनली अगर नहीं भी मिले तो नींबू पानी डेली पी सकते हैं, और एक बेरी आती है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न का कैप्सूल है, आप लंच के आधे घंटे के बाद में एक कैप्सूल डेली ले, 1 महीने, काफी हद उसके अंदर विटामिन सी है, आंवले से मेनी टाइम्स ज्यादा है। विटामिन सी आप जितना ज्यादा लेंगे आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी। सी बकथॉर्न एक बेरी है जो गुलमर्ग में कश्मीर के अंदर पैदा होती है, और जो सी बकथॉर्न है उसका इतनी सर्वाइविंग कैपेसिटी है कि -40 से लेके +40 तक के सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर सी बकथॉर्न है वो सर्वाइव कर जाता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने इंटेक के अंदर विटामिन सी को ज्यादा लें, आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहेगी। द थर्ड लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज परफॉर्म बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय हार्ट। अगर हमारा हार्ट अगर काम करना बंद कर देगा तो क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं। सो यस, ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस। Excretion, the removal of waste materials and excess of materials from the body is known as excretion. Excretion is performed by excretory system, and the main organs of the excretory system are the kidneys. अगर किसी की kidneys काम करना बंद कर दें तो क्या बंदा जिंदा रहेगा? नहीं। तो excretion एक life process है। बच्चों आपको एक feel आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है। द बेसिक फंक्शंस और द बेसिक एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। हमें जीने के लिए कौन कौन से बेसिक फंक्शन जरूरी है, दे आर द लाइफ प्रोसेसेस, एंड द स्टडी ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस इज नोन एज फिजियोलॉजी। हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे हाउ दिस लाइफ प्रोसेसेस अकर्स इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ दिस लाइफ प्रोसेसेस अकर्स इन द प्लांट्स। दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन फिजियोलॉजी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग लाइफ प्रोसेस।
सो यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड कि यहाँ पे लाइव प्रोसेसेस है और इसमें पहला लाइव प्रोसेस न्यूट्रिशन को बता रखा है. हमारे न्यूट्रिशन के अंदर, खाने के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइव प्रोसेसेस की डेफिनेशन को हमें दिखा रखा है. तो लिखा हुआ है, आपके सामने है, द मेंटेनेंस फंक्शंस विच आर हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन द लिविंग बीइंग्स आर लाइव प्रोसेसेस. आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं या इसको ऐसा बोल दें, द बेसिक फंक्शंस विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ आर नोन एज लाइव प्रोसेसेस. यहाँ पर बेटा ये ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी पे आपको दिखा रखा है कि एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ. केमिकल एनर्जी वी गॉट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. इसका मतलब हमारे जो एनर्जी गिविंग फूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है. अगर हम हमारे डाइट की बात करें और डाइट और बैलेंस्ड फूड, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफीज. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड. ये फैक्ट्स है, आपको आने चाहिए. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर, ग्रोथ एंड बॉडी बिल्ड, दैट इज फॉर बॉडी बिल्डिंग. तो हमारे ग्रोथ के लिए जो जरूरी है वो प्रोटीन्स है. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शंस. वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके बिना हमारे सेल जिंदा नहीं रहेंगे. एंड रफेज, रफेज एक फाइब्रस फूड है, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम सेलुलोज. कि हम जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ड्यूरिंग डाइजेशन देयर इज सेलुलोज, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लांट फूड, इट कन्वर्ट्स इनटू रफेज एंड द रफेज इज रिक्वायर्ड फॉर टू मेंटेन द हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये यहाँ से आप समझ गए होंगे कि केमिकल एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से मिलती है. केमिकल वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एक्चुअली ये आपका ये जो वेस्ट रिलीज हो रहे हैं, इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज व्हाट द सेकेंड लाइफ प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज अकरिंग इन द सेल्स वेयर ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट्स इंटू CO2 प्लस H2O, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP. ये रेस्पिरेशन है. दिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज. दिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज. सो रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, इट इज अकरिंग इन द लिविंग बींग. पब्लिक सोचती है रेस्पिरेशन का मीनिंग श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, ऐसा नहीं है. श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना तो ब्रीदिंग है. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू रिलीज द एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज. इट इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इज अकरिंग इन द लिविंग बींग. सो इट इज द बायोकेमिकल चेंज. दिस इज द बायोकेमिकल चेंज. इट इज अ प्रोसेस टू रिलीज द एनर्जी. यहां पे CO2 एंड H2O है, वो केमिकल वेस्ट है. और जो ATP रिलीज हुआ है वो ATP बॉडीज एनर्जी करेंसी है. ये हमारी जैसे रुपया आपकी करेंसी है कि आपने अपने पैसा कमा के बैंकों में रखा हुआ है, घरों में रखा हुआ है. कोरोना पीरियड चल रहा है, कमाइयाँ कम हैं, वो हमारी करेंसी है.
तो हम उसको खर्च करते हैं हमारे घर का राशन पानी लाने के लिए, घर का सिस्टम चलाने के लिए। उस करेंसी को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। कुछ लोग अपना बॉडी को मतलब बहुत ज़्यादा ऐश आराम के लिए हर तरह से खर्च कर देते हैं और फिर देश फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अपनी करेंसी को सोच समझ के खर्च करें। उसी तरह से हमारी बॉडी की करेंसी है, एनर्जी करेंसी है ATP, इसको सोच समझ के खर्च करें, अच्छे कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में लगाएं। आपकी एनर्जी उसको घूमने फिरने में वेस्ट ना करें, आपकी एनर्जी को नेगेटिव कामों में ना लगाएं, आपकी एनर्जी को आपका करियर बनाने में लगाएं, आपकी एनर्जी को सोशल वर्क्स में लगाएं, आपकी एनर्जी को परिवार की हैप्पीनेस के लिए लगाएं। तो अपनी करेंसी को सोच समझ के खर्च करें। और हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है और मेटाबॉलिक रिएक्शन से हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आ गया कि सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इट इज ए कंस्ट्रक्टिव चेंज। जैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक चेंज है, हमारी बॉडी के अंदर बॉडी प्रोटीन्स का बनना एक एनाबॉलिक चेंज है। एनाबॉलिक चेंज एक कंस्ट्रक्टिव चेंज है और हर कंस्ट्रक्टिव चेंज के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। कैटाबॉलिज्म इट इज अ डिस्ट्रक्टिव चेंज। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक चेंज है वेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज इट कन्वर्ट्स इनटू CO2 प्लस H2 एंड एनर्जी रिलीज। ये एक कैटाबॉलिक चेंज है। एक कैटाबॉलिक चेंज एक डिस्ट्रक्टिव चेंज है एंड इन अ कैटाबॉलिक चेंज द एनर्जी इज रिलीज्ड। Yes, in the respiration, the energy is released. So it is a catabolic change. And the sum of anabolism and catabolism is known as metabolism. In our body, the various metabolic reactions are occurring. And when there are metabolic reactions, the body can have energy changes, the heat will be released. So, beta, this slide hai. Iske upar maine aapko foundation part karwaya hai, concepts karaye hai. जो आपको लेटर ऑन आपके हायर क्लासेस के अंदर +1 +2 के अंदर काफ़ी हेल्प करने वाला है। मेरी क्लासेस हैं, इट विल नॉट बी बुकिश, बुक तक लिमिटेड नहीं रहेगी। मेरी क्लासेस के अंदर आपका बुक का तो कवर होगा ही होगा, बट एक्स्ट्रा चलता रहेगा, जिससे जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप अपने आसपास फील कर पाएं। और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा अगर आप उस सब्जेक्ट को अपने आसपास में फील करेंगे। बुक्स तक सीमित ना रहो, अपनी बाहों को फैलाओ और हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को अपने आसपास, अपने बॉडी के ऊपर, अपने सराउंडिंग में महसूस करो। साइंस से प्यार हो जाएगा और साइंस से प्यार आपको करवा के छोड़ूंगा। नाउ सी द स्लाइड। लाइफ प्रोसेस लिखा हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इसमें देखो आप लंग्स को दिखा रखा है, एक्सक्रीशन, इसमें किडनीज को दिखा रखा है, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे हार्ट को दिखा रखा है। अगर आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। आपके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपके किडनीज काम करना बंद कर देंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपका दिल धड़कना बंद कर देगा तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। सर तो क्या बच्चा पैदा करना लाइफ प्रोसेस है? नहीं है। मत करना शादियां, मत करना बच्चे पैदा, आप जिंदा रहेंगे। हमारा मोदी है, वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, वो जिंदा है। हरियाणा के CM है खट्टर साहब है, वो अनमेरिड है, वो भी जिंदा है। हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट अब्दुल कलाम वो अनमेरिड थे। तो सर फिर यहां क्यों दिखा रखा है? आपको समझाने के लिए।
रिप्रोडक्शन एक फैसिलिटी है टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द रेसेस, टू गिव बर्थ टू द यंग वन. रिप्रोडक्शन का शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, टू इंक्रीज द नंबर. आप एक पेज है उसको फोटोस्टेट मशीन में डालें और उसकी 100 कॉपी बना दें, तो आई कैन यूज दिस स्टेटमेंट, दिस पेज हैड बीन रिप्रोड्यूस्ड बाय 100 टाइम्स. तो रिप्रोडक्शन सिंपली इसका मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन. लेकिन कुछ चीजें डेफिनेशन पे ना चिपक के, बुक्स में ना चिपक के, अपना भेजा भी अच्छे से यूज कर लेना चाहिए. कॉमन सेंस होना चाहिए, सोच कुछ ब्रॉड सोचना चाहिए कि हाँ एक पेज का 100 टाइम्स फोटोकॉपी बन गई वो भी एक रिप्रोडक्शन है, और ह्यूमन बींग्स बच्चे पैदा करते हैं ये भी रिप्रोडक्शन है. तो लिविंग बींग्स इस प्रोसेस को यूज करते हैं, सो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस. लेकिन लिविंग बींग्स इसको यूज ना करें तो ऐसा नहीं है कि लोगों का जीवन रुक जाएगा, लोग जिंदा नहीं रहेंगे. तो आप इसको कुछ मेरिट्स पे इसको लाइव प्रोसेस में डाल सकते हैं और कुछ मेरिट्स पे इसको लाइव प्रोसेस से हटा सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक लाइव प्रोसेसेस. बच्चों ये एकेडमी की डिटेल्स हैं, आपके सामने हैं. यूट्यूब के ऊपर आप जाके सर्च कर सकते हैं सांकला क्लासेस पे. इस कोरोना पीरियड में मैं मेरी क्लासेस को फ्री कर रहा हूँ, जो बच्चे घर बैठे हुए हैं इसके बेनिफिट्स लें. और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, मैं भी एनकरेज रहूँ. क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस कोरोना पीरियड के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बेनिफिट्स लें. बाकी का ये हमारा ईमेल आईडी है, और सांकला क्लासेस फेसबुक पे है. सांकला क्लासेस को आप गूगल है वहाँ पर सर्च कर सकते हैं. सो दिस ऑल आर द डिटेल्स रिगार्डिंग सांकला क्लासेस. थैंक यू.